तो चलिए एक प्रश्न है जिसे हम सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 2 ये इक्वल होगा 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स के। तो इस प्रश्न में देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा या दो अलग अलग एंगल के फॉर्म पे है। तो ये जो सूत्र है इसको हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले करके चलते हैं। ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ये फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 फिर प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ये साइन ए प्लस बी ये वाला पद हो गया, फिर साइन ए माइनस बी। तो ये साइन ए दैट इज़ पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 फिर माइनस पाई बाई 8 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2 के। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 ये धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये पाई बाई 8 निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन 2 टाइम्स पाई बाई 8। इसी तरीके से अगला पद साइन 2 टाइम्स एक्स बाई 2। इसे और सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 4 और ये साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये होता है 1 बाई रूट 2 और ये साइन एक्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया टेन ए प्लस बी और राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी है और अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चूंकि टेन ए प्लस बी दिया हुआ है तो हम टेन ए प्लस बी के फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी ये इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी के। अब चूंकि लेफ्ट साइड में हमें टेन ए प्लस टेन बी चाहिए तो इस पद को पक्षांतर करके हम राइट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कि टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू ये पद और इस पद का गुणा हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टेन ए प्लस बी इंटू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब ये जो टेन ए प्लस बी है इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। चूँकि अंश में हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी, तो हमने टेन ए प्लस बी को लिख लिया साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। और फिर अंदर में जो टेन ए टेन बी है इसे भी हम साइन और कॉस के अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। इसे और आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब इस पद का लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी और फिर यहाँ पर ये जो पद मिलेगा ये हमें मिलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ध्यान दीजिए कि ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसे हम लिखेंगे आगे साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी और फिर इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा
साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और यही हमें सिद्ध करना था कि टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। इसी तरीके से सेम प्रश्न हमें और हल करना है या सिद्ध करना है, जहां पर है टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर ये माइनस साइन है, यहाँ पर ये प्लस साइन है, क्रम यही रहेगा, फार्मूले का भी यही इस्तेमाल करना है और सरल करते जाएंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए इसका हम सत्यापन देखते हैं। चूँकि यहाँ पर भी टेन ए माइनस टेन बी लिखा गया है तो हम उस फार्मूले का उपयोग करेंगे कि टेन ऑफ ए माइनस बी ये इक्वल टू होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड में टेन ए माइनस टेन बी को रखना है, इसका मतलब इस पद को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा कि टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू टेन ए माइनस बी इंटू वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए ये टेन ए माइनस बी यहाँ पर साइन ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, और इसी तरीके से ये टेन ए टेन बी को हम लिखेंगे साइन ए साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। आगे साइन ए माइनस बी और ये अपॉन कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम कॉस ए कॉस बी मिलेगा और अंश में हमें मिलेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये कॉस ए माइनस बी का विस्तार है। तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, इस पद को आप लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हर में है कॉस ए कॉस बी, तो ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा कि टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी। चलिए इसका सत्यापन करते हैं। कॉट ए प्लस कॉट बी लेफ्ट साइड पे हमें दिया गया, तो यहाँ पर हम कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कॉट ए प्लस बी इक्वल टू ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। देखिए लेफ्ट साइड में हमें चाहिए कॉट ए प्लस कॉट बी, तो इस पद को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं और इसे इस तरफ, तो आगे हमें मिल जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस बी। अब ये जो कॉट ए कॉट बी है तो अंश में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे, और हर में है साइन ए साइन बी, तो इन पूरे पदों को जो कॉट है इसे साइन और कॉस के पदों में लिख लेते हैं। तो कॉट ए को हम लिख रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट बी को हम लिख रहे हैं कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस वन, और फिर अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो इसे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते आ रहे हैं।
अब यहाँ पर जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो साइन ए साइन बी मिलेगा, तो ये कॉस ए कॉस बी, यहाँ का एलसीएम साइन ए साइन बी, और फिर ये माइनस वन है तो इस तरीके से हमें मिलेगा माइनस साइन ए साइन बी। अब ये जो पद है कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, इसे आगे हम लिख सकते हैं इन टू, ये जो पद है ये अंश में चला जाएगा और हमें मिलेगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी और अपॉन साइन ए साइन बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ये तो ये जो कॉस ए प्लस बी पद है और यहाँ पर ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अंश और ये हर में है, तो आगे हमें मिल रहा है साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और ये किसके बराबर है कॉट ए प्लस कॉट बी, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हमें सिद्ध करना है कि कॉट बी माइनस कॉट ए होगा ये साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी के इक्वल होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो पूर्व प्रश्न की भांति यहाँ पर भी हम उपयोग करेंगे कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब चूंकि हमें लेफ्ट साइड में कॉट बी माइनस कॉट ए चाहिए तो इस पद को पक्षांतर करके लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो हमें मिलेगा कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन ये आ जाएगा कॉट ए माइनस बी। अब चूंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है ये साइन के पदों में है और यहाँ पर हमें कॉट है, तो कॉट को हम कॉस और साइन के पदों में लिख लेते हैं, तो आगे हम कॉट को लिख रहे हैं कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉट बी को लिख रहे हैं कॉस बी अपॉन साइन बी, और फिर ये प्लस वन, और अपॉन कॉट ए माइनस बी इसे हम लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। अब ये जो पद है साइन ए साइन बी और ये इधर वन, तो इसका जो हमें एलसीएम मिलेगा ये मिलेगा साइन ए साइन बी, तो अंश में हमें जो मिल रहा है ये होगा कॉस ए कॉस बी फिर प्लस साइन ए साइन बी। इस पद को हम गुणा करके लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी यहाँ पर होगा और ये जो साइन ए माइनस बी है अंश में चला जाएगा, साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, तो ये कॉस ए माइनस बी और ये कॉस ए माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अंत में बचेगा साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है सरल कीजिए साइन सेवन पाई बाई ट्वेल्व इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस सेवन पाई बाई ट्वेल्व इंटू साइन पाई बाई फोर। तो इसे हल करें तो उसके पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे
कि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म पे है। 7π/12 को यदि ए मान लिया जाए और 5/4 को बी मान लिया जाए तो ये है साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको ये पता है कि ये साइन ए माइनस बी का विस्तार है, तो इस तरीके से हम इसे आगे लिख सकते हैं। ये इसके इक्वल टू होगा साइन 7π/12 माइनस π/4 के। अब आगे आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12 और यहाँ पर 7π माइनस, देखिए ये 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3π। तो आगे हल करने पर आप पाएंगे साइन 7π माइनस 3π यहाँ पर आएगा 4π अपॉन 12। इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा साइन π/3 और साइन π/3 का मान आपको पता है ये √3/2 के बराबर होता है। तो यही इसके लिए उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें दूसरे प्रश्न पर आते हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है, जहाँ पर हमें हल करना है साइन π/4 टू कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 इंटू साइन π/12। इसे भी अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म पे है, तो ये साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन है। यहाँ पर ये साइन ए माइनस बी का विस्तार था, इसी तरीके से ये साइन ए प्लस बी का विस्तार है। तो इसे आप आगे लिख सकते हैं साइन ए π/4 और बी है π/12। आगे हल करने पर एलसीएम आएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3π। इसी तरीके से यहाँ पर आगे आपको पद मिलेगा पाई। आगे हल करने पर मिलेगा साइन 4π अपॉन 12 और ये आगे हल करने पर आपको मिल जाएगा साइन π/3 और साइन π/3 होता है √3/2। यही उत्तर हमें ज्ञात करना था। इसमें तीसरे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि कॉस 2π/3 इंटू कॉस π/4 माइनस साइन 2π/3 इंटू साइन π/4 का मान क्या होगा। तो देखिए यदि इस पद को आप a मान ले, इस पद को b मान ले, तो आपको मिल रहा है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये और ये सेम डिग्री है, ये और ये सेम डिग्री है। तो ये कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू होता है कॉस a प्लस b। तो इन दोनों एंगल्स का हम सम लिखेंगे, ये होगा कॉस 2π/3 प्लस π/4। चूँकि कॉस a प्लस b इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। अब आगे हल करने पर जो एलसीएम मिलेगा ये मिलेगा 12, ये 12 को आप 3 से भाग देंगे आएगा 4 और 4 को 2π से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8π। इसी तरीके से ये 12 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 को पाई से गुणा करेंगे तो आएगा 3π। 8 और 3 को जोड़ेंगे आएगा 11, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉस 11π अपॉन 12। अब कॉस 11π/12 इसे सॉल्व करने के लिए आगे हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस π/12। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो आप लिखेंगे 12π-π तो आपको मिल जाएगा 11π। तो ये जो cos 11π/12 के, तो हम आगे हमने इसे लिखा है इक्वल टू cos π-π/12 और cos π-θ। देखिए ये आपको पता है ये 0 डिग्री, ये π/2 रेडियन, या 0 ये 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 2π/3 रेडियन और ये अगेन 2π रेडियन। तो 180 माइनस थीटा, 180 या पाई माइनस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश पर आ रहा है और दूसरे चतुर्थांश पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा ये माइनस कॉस मिलेगा। तो माइनस कॉस π/12 cos π/12।
चूंकि पाई रेडियन ये 180 डिग्री के बराबर होता है, इसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 15 डिग्री के। तो आपने कॉस 15 डिग्री को थोड़ी देर पहले हल किया हुआ है, और कॉस 15 का जो मान होता है ये √3 + 1/√2 ये होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करने पर हमें जो उत्तर मिला वह यह है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस पाई बाई 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बी और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी ये इक्वल टू होगा साइन ऑफ ए प्लस बी के। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बी और फिर ये माइनस पाई बाई 4 माइनस ए और साइन पाई बाई 4 माइनस बी कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पर कॉस, यदि इस पूरे एंगल को आप ए मान ले और इस पूरे एंगल को बी मान ले, तो यहाँ पर ये एंगल भी ए है और यहाँ पर ये एंगल भी बी है। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है, तो यहाँ से इसे हम आगे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए के स्थान पर है पाई बाई 4 माइनस ए और बी के स्थान पर है पाई बाई 4 माइनस बी। तो ये पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन इसे हम ऐड करके लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 रेडियन और ये माइनस माइनस ए, माइनस से माइनस बी है तो इसे अगर माइनस कॉमन ले लें तो आगे हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ ए प्लस बी कॉस 90 माइनस थीटा। तो पहली बात ये कि 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा और थीटा के स्थान पर है यहाँ पर ए प्लस बी, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं।